केंद्रीय मंत्री वीके सिंह ने देश में चल रही असहिष्णुता की बहस को हवा दे दी है उन्होंने इस मुद्दे पर सवाल उठाते हुए कहा है कि यह मुद्दा पूरी तरह से प्रायोजित है कुछ लोग पैसे लेकर इस मुद्दे को हवा दे रहे हैं उन्होंने आरोप लगाया है कि बिहार चुनाव के पहले राजनीतिक साजिश के तहत काल्पनिक तरीके से इस मुद्दे को भारी भरकम पैसा लेकर के हवा दी गई है उन्होंने कहा है कि देश में असहिष्णुता कोई मुद्दा नहीं है लॉस एंजल्स में रीजनल प्रवासी भारतीय दिवस में हिस्सा लेने पहुंचे थे केंद्रीय मंत्री वीके सिंह और मीडिया से उन्होंने यह बात कही है एक तरफ केंद्रीय मंत्री वीके सिंह असहिष्णुता को लेकर के चल रहे इस आंदोलन को पैसे लेकर के चलाया जा रहा आंदोलन बता रहे हैं तो वहीं विपक्षी दल संसद में भी सरकार को असहिष्णुता के मुद्दे पर घेरने की तैयारी में है मोदी जी की सरकार उनकी विचारधारा उनके संबंधित सब संगठन इसमें लगे हुए हैं और स्वाभाविक है कि पूरी की पूरी विपक्ष एकजुट होकर इसका विरोध करेगी बिहार की हार के बाद भी मोदी जी और उनके लोग नहीं समझ पाए कि इंटॉलरेंस या असहिष्णुता जो है जिसने उसको बिहार में हराया ये पूरे देश में उसके लिए भारी पड़ेगी तो सीधी सीधी बात है कि आपने एक तरह से ढकोसला बना दिया कि किसी अनजान व्यक्ति से एक टिप्पणी करवा दी और पीछे पीछे आप समर्थन करते रहिए जो जो सरकार जो प्रधानमंत्री जो दल नथुराम गोडसे जैसे व्यक्ति का समर्थन कर सकते हैं आप समझ सकते हैं कि किस तरह के देश के निर्माण की, की वह सोच रहे हैं नहीं बिल्कुल मेरा ख्याल है कि तमाम विपक्ष सहनशीलता को लेकर इंटॉलरेंस को लेकर एक मत है हमारी पार्टी एन भी आज नोटिस देगी और हम लोगों की कोशिश यही रहेगी कि इस पर विस्तार से चर्चा हो और सरकार जवाब दे तो इसलिए इस मुद्दे को दोनों सदनों में उठाया जाएगा